हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिए थे। अभी 9th क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है 9th क्वेश्चन? त्रिभुज एबीसी में हमने एक त्रिभुज बना लिया एबीसी, जिसका बी कोण समकोण है। कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1 / √3 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हमें tan a का मान दे रखा है, tan a बराबर 1 / √3। tan a का मान दे रखा है और फर्स्ट और सेकंड का मान पूछा है। तो tan a क्या होता है? लंब बटा आधा tan a। तो न्यून कोण a को लिया है, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब दे रखा है 1 और आधार दे रखा है √3। कर्ण ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कट गया हो जाएगा। तो देखते हैं लंब क्या है, 1, 1 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है √3, ये √3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ा 4 आ गया, के स्क्वायर के बराबर 2, के का मान 2 आ गया। अब हमें साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी का मान ज्ञात करना है। ये निकाल लेते हैं, साइन ए, साइन ए क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब क्या है 1, कर्ण क्या है 2, ये आ गया। कोस ए क्या होगा? कोस ए आधार बटा कर्ण, आधार क्या होगा 3 √3, कर्ण क्या है 2। अब देखो साइन सी निकालना है, साइन सी लंब हो जाएगा √3 और आधार हो जाएगा 1। तो कॉस साइन क्या होगा? लंब √3 साइन सी बराबर √3/2, √3/2। और कॉस सी क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 1, कर्ण क्या है 2। ये चार मान आ गए। अब इन दोनों में मान रखने हैं हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए कॉस ए, साइन ए तो 1/2 इंटू कॉस सी, कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए क्या है √3/2, √3/2। और साइन सी क्या है? √3/2 हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, 1/4 प्लस इंटू क्या, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 प्लस पर लिया 4 आ जाएगा, ऊपर भी 4 हो जाएगा, 4/4 यानी 1। इसका आंसर आ गया 1। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है? कोस ए कोस सी, कोस ए क्या है √3/2 इंटू कॉस सी क्या है 1/2 माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए क्या है 1/2 इंटू साइन सी क्या है √3/2। यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? ये देखो √3/2 इंटू 1/2 इंटू क्या था √3/4 माइनस 1/2 इंटू √3/2 क्या आएगा? साइन आएगा √3/4। लसप आधार समान है तो लसप लेते हैं, लसप हो जाएगा 4/4/√3 माइनस √3, √3 कट जाएगा प्लस माइनस है तो आंसर आ जाएगा 0। सेकेंड का आंसर आ गया 0, फर्स्ट का आ गया 1। ओके, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ऐसा एक हमें एग्जांपल भी दिया था। अब एक्सरसाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो त्रिभुज दे रखा है PQR, PQR जिसका Q समकोण है 90 डिग्री, समकोण है 90 डिग्री। दे रखा है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PQ PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, P
पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। यहां से हम निकाल सकते हैं पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, इसको समीकरण नंबर एक नाम देते हैं। अब इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पीटी पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। एक बार हम सीधा ही देख लेते हैं हमें उनसे क्या है, इसमें सब पी क्या करना है, तो पी को न्यू कोण ले लेते हैं, साइन पी कॉस पी टेन पी, तो पी क्या करना है, पी को न्यू कोण ले लिया, तो ये हो गया लंब आधार और ये हो गया कर्ण। कर्ण क्या होगा पी आर, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है पांच का स्क्वायर। पी क्यू और क्यू आर पांच, ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए प्लस है मिल जाएगा माइनस, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर पांच का स्क्वायर 25। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस ए को हमने पी क्यू ले लिया, पी क्यू माइनस क्यू आर का कोष्टक पी आर माइनस प्लस क्यू आर, ये होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हमने लिख दिया बराबर 25। अब देखो पी पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे रखा है, तो इसी जगह 25 लिख सकते हैं, पी आर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर सॉरी स्क्वायर केवल कोष्टक है, और इसका मान लिख दिया 25 इनटू में बराबर 25। ये हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू आर बराबर 25 से 25 अपॉन में आएगा कट जाएगा आंसर आ जाएगा एक। ये हो गया समीकरण दो। अब देखो समीकरण एक और समीकरण दो, ये इसका मान इसमें रखेंगे तो एक सेम है ना, दो डिजिट सेम है इनमें और इनमें, तो एक डिजिट का मान आ जाएगा, उसे हम वापस इसमें रख के मान दूसरी डिजिट का मान निकालेंगे। अब देखो समीकरण एक से समीकरण एक व दो से पी, इसमें पी क्यू का मान इसमें रख देते हैं, तो 25 माइनस क्यू आर, ये माइनस है माइनस क्यू आर बराबर 1, ये हो गया 25 माइनस क्यू आर बराबर 1, माइनस क्यू आर माइनस क्यू आर माइनस टू क्यू आर, ये माइनस का है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये आर प्लस का है 1, तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्यू आर टू क्यू आर बराबर 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 1 और 20 24 हो जाएगा, और क्यू आर बराबर 24 अपॉन 2, 24 अपॉन 2 ये कितना आ जाएगा 12, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, क्यू आर आ गया हमारे पास 12, 12 का मान क्यू आर का मान समीकरण एक में रखेंगे तो पी आर आ जाएगा, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान क्या है 12, ये आ जाएगा पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब देखो पी आर 13 आ गया, पी आर कहाँ है, पी आर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर, अब तीनों बुझे आ गई, तो साइन क्यू साइन पी का मान क्या कर लेंगे, साइन पी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब क्या है 12 कर्ण क्या 13, तो 12 बटा 13। दूसरा क्या है कॉस पी, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार हमारे पास क्या है 5 कर्ण क्या है 13, 5 बटा 13। तीसरा है टेन पी, टेन पी क्या होता है लंब बटा आधार, लंब क्या है हमारे पास 12 आधार क्या है 5, तो 12 बटा 5। ये क्वेश्चन हो गया टेन क्वेश्चन, आगे देखेंगे अगले वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ओके क्लास।